अगर आपके पास रियलमी C31 है या C30 है, कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, नोटिफिकेशन कैसे आप टर्न ऑफ कर सकते हैं, तो इसके लिए जाएंगे आप सेटिंग पे और स्क्रॉल करेंगे, और आपको ना यहाँ पे ऐप एंड नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको इस टाइप से ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये जो है नोटिफिकेशन, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब नोटिफिकेशन हिस्ट्री सबसे ऊपर मिल जाती है, अगर इसे ऑन कर देते हैं तो जो भी आपके नोटिफिकेशन की हिस्ट्री है, मतलब स्नूज नोटिफिकेशन जैसे बार बार आपकी स्क्रीन पे आते हैं, वो सारी आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, चैट वगैरह। नोटिफिकेशन बबल है ये, आप इसको बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से बंद कर सकते हैं, ऑन करना चाहते हैं ऑन कर लेंगे, इस टाइप से बबल्स आते हैं। इसके बाद बैक कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट रिसेंट कितने नोटिफिकेशन हैं जो अभी जस्ट अभी आए हैं, तो आप इसको नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं, ऑन ऑन कर सकते हैं, तो यहाँ से कुछ अंदर के नोटिफिकेशन है इनको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे क्लिक करके अलग अलग टाइप के नोटिफिकेशंस हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जाएंगे, सिस्टम वाले मिल जाएंगे, और सिस्टम वाले ना तो ऑन होते हैं ना ऑफ होते हैं, बाकी ये सारे एप्लीकेशन है जिसके नोटिफिकेशन आपको दिख जाते हैं, जिसके नोटिफिकेशन टर्न ऑफ है वो यहाँ से दिख जाते हैं। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, फेसबुक डाल लेंगे, क्रोम, ये क्रोम आ गया, इसका नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं, ऐसे करके सर्च भी कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा लॉक स्क्रीन का, लॉक स्क्रीन का नोटिफिकेशन आप यहाँ पे हाइड कर सकते हैं, साइलेंट वाला कन्वर्सेशन हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं लॉक स्क्रीन से, और इसके बाद यहाँ पे ये आप छोड़ देंगे। बाकी ये हाइड साइलेंट नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, स्टेटस बार से साइलेंट नोटिफिकेशन हाइड करना है तो इसे ऑन कर देंगे। स्नूज़ अगर आप अलाउ करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं, इससे क्या होता है कि जैसे कि पूरे दिन आप बिज़ी रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सी नोटिफिकेशन आई है वो चली भी गई, पता ही नहीं चला आपको। इसे ऑन करने से क्या होता है ना कि स्क्रीन जब भी आप ऑन करोगे तब भी आपको बार बार वही नोटिफिकेशन दिखाई देगी जो आपको आई है आज, ठीक है, जब तक आप उसको ओपन करके पढ़ नहीं लेते तब तक, जैसे आईफोन वगैरह में होता है वैसे। तो ये आप जैसे बिजनेस वगैरह करते हैं या बहुत बिजी रहते हैं पूरे दिन, तो ये आप ऑन करके रखेंगे तो सारी नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगी। इसके बाद यहाँ पे एक्शन एंड रिप्लाई आप ऑन कर देंगे, ऐप डॉट बंद कर सकते हैं जो रेड कलर की डॉट आती है नोटिफिकेशन की, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन का साउंड चेंज कर सकते हैं और डू नॉट डिस्टर्ब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सेटिंग है आपकी नोटिफिकेशन की। बाकी यहाँ पे सी ऑल 72 ऐप्स, सारे के सारे 72 ऐप्स देखने को मिल जाएंगे, और जैसे कि वहाँ पे अगर आपको कोई नोटिफिकेशन का ऑप्शन नहीं मिल रहा था तो इस पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन है जो ऑफ कर सकते हैं यहाँ से बायजूस का, ठीक है। तो यहाँ से भी आप नोटिफिकेशन को ऐसे करके बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं अगर वहाँ पे एप्लीकेशन नहीं मिला तो। बाकी ये आपके काम की चीज़ें नहीं है, मतलब ये दूसरी सेटिंग्स हैं, नोटिफिकेशन की जो सेटिंग थी मैंने आपको बता दिया। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।